और जब तक हम पैगंबर न भेज लें अजाब नहीं दिया करते। डॉक्टर साहब बयान कीजिएगा, जो इस वक्त सूरत हाल है जिससे पूरी कौम गुजर रही है, ये अजाब है, फितने का दौर है, ये क्या हो रहा है हमारे इर्द गिर्द इस वक्त? इस वक्त उम्मत मुस्लिमा पूरी की पूरी अजाब के अंदर मुब्तला है, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा अजाब। मगर याद रहे कि अल्लाह ताला तो फरमाता है, और जब तक हम पैगंबर न भेज लें अजाब नहीं दिया करते। ये इज्तिमाई अजाब जो आता है, एक तो होता है जिल्लत और मस्कनत की शक्ल में, गुरबत अलैहिमु जिल्लत वल मस्कना, उन पर कमजोरी और कम हिम्मती मुसल्लत कर दी जाती है, और इसके अलावा उनके ऊपर वक्तन फवक्तन मैसेकर्स और जो खून और यानी आग की बारिशें होती है। अब इसकी मैं आपको मिसाल देता हूं कि हमसे पहले उम्मत मुस्लिमा थी बनी इसराइल। डॉक्टर इसरार अहमद साहब की ये मिसाल बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ उम्मत मुस्लिमा में भी एक मसीह के आने की पेशगोई फरमाई थी, बल्कि आपने ये भी बयान फरमा दिया था कि आपकी उम्मत के 72 फिरके भी बाएन ही यहूद का सा तर्ज अमल इख्तियार करते हुए उन्हीं हालात से दो चार होंगे जिसका शिकार गुज़श्ता मसीह का इनकार करने वाले यहूद हुए थे। हज़रत मूसा के मानने वाले और किताब तौरात के मानने वाले और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक वही शरीयत थी, और हुज़ूर के आने तक भी बल्कि वही शरीयत थी। अब आपको मालूम है कि यहूदियों ने जब तो अपनी किताब और शरीयत पर अमल किया तो अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया में इनामात से नवाजा, लेकिन जब उन्होंने दीन के बगावत की, दीन की तालीमात को पसे पुछ डाला और वो जो है तौहीद को छोड़कर मुशरिकाना वहां में मुबतला हुए, अखलाकी जवाल में आए, तो फिर उन पर जो अजाब आए हैं वो एक अजाब तो मैंने बताया ज़ुल्मत अलैहिम ज़िल्लत वल मस्कनत, और दूसरा बाहू के गज़ब मिन अल्लाह, अल्लाह का गज़ब जो आया है। बनी इसराइल पर अल्लाह ताला का अजाब बगैर किसी वार्निंग के आया था या किसी डराने वाले और उसकी वार्निंग के इनकार के नतीजे में? इस बारे में डॉक्टर इसरार अहमद साहब वजाहत करते हैं कि ये अजाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इनकार और तमस्खर के तकरीबन 40 साल बाद जाहिर हुआ। हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के रफ़ ज़माने के कोई 40 बरस बाद, जब टाइटस रोमन जनरल ने दोबारा बर्बाद किया यरूशलम को, और जो दूसरा टेम्पल बना लिया गया था उसको भी उसने गिरा दिया, वो गिरा पड़ा है सेकेंड टेम्पल आज तक। डॉक्टर पाकिस्तान में क्या हो गया इस वक्त? पाकिस्तान जो है यानी हम आपस में ही मरने मारने पे उतर गए हैं, या बाहर के अनासे खुद कई लॉरेंस ऑफ अरेबिया कूद गए हमारे अंदर, हमारे पाकिस्तान में क्या हो गया ये? देखिए मेरे नजदीक एक तो वो जो अमूमी अजाब है ज़ुर्मत अलैहिम ज़िल्लत वल मस्कना, वो तो पूरी उम्मत पर है। गोया डॉक्टर इसरार अहमद साहब इकरार करते हैं कि ये एक अजाब इलाही की सूरत है, जबकि कुरान करीम दो टोक फैसला देता है, और जब तक हम पैगंबर न भेज लें अजाब नहीं दिया करते। अल्लाह ताला इस कौम की आंखें खोले ताकि ये वक्त के मसीह और मामूर मिनल्लाह को पहचाने और इस अजाब इलाही से नजात हासिल करें। डॉक्टर साहब इस वक्त जो सूरत हाल है, ये क्या मुसलमान को मार रहा है इस वक्त? तो अब जो मार रहा है वो भी कलमा पढ़ रहा है, जो मर रहा है वो भी कलमा पढ़ के दम तोड़ रहा है, अब कैसे फैसला हो? इस्लाम क्या कहता है इस सूरत हाल के बारे में, जब आपस में मुसलमान लड़ पड़े और तय ना हो कि कौन दुरुस्त है और कौन गलत है? ये कुरान मजीद के अंदर सूरह अनाम में आयत नंबर 65 है कि अल्लाह ताला के अजाब की तीन शक्लें होती है, या तो आसमान से कोई नाज़िल करे, या जमीन फट जाए, कोई जलजला आ जाए, और तीसरा ये है कि वो तुम्हें गरोहों में तकसीम करके आपस में लड़ा दे और तुम एक दूसरे की गर्दनें काटो और खून बहाओ। ये तीसरी शक्ल का अजाब भी आज हम पर है, जिल्लत भी है, मस्कनत भी है, और जिस तरीके से अब होने वाला है वो तो मैं आपसे कर रहा हूँ कि मैं कांपता हूँ अब ये सोचते हुए कि क्या होने वाला है। डॉक्टर इसरार अहमद साहब ये तो तस्लीम करते हैं कि मुसलमानों की मौजूदा सूरत हाल अजाब इलाही की मुख्तलिफ सूरतें हैं, जो कि बढ़ते बढ़ते मुस्तकबिल करीब में इंतहाई हौलनाक सूरत इख्तियार करती दिखाई देती हैं। मगर अफसोस कि अजाब इलाही की इस बुनियादी वजह से
कुलियतन सरफ नजर कर रहे हैं कि जिसकी तरफ कुरान करीम इस आयत में तवज्जो दिलाता है, और जब तक हम पैगंबर न भेज लें अजाब नहीं दिया करते। क्या इस उम्मत में भी एक मसीह की आमद की खबर ना दी गई थी? क्या बनी इसराइल पर गुज़श्ता मसीह के इनकार, तहकीर और उन्हें कत्ल कर देने की कोशिश के नतीजे में अजाब ना आया था? आइए खुद इसरार अहमद साहब की जबानी सुनिए कि बनी इसराइल पर अजाब क्यों आया था और क्या आज मुसलमान बेऐन ही उस मकाम पर खड़े हैं के नहीं। وَزُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاؤُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ اب یہ ہے ان کی وہ خباثتیں، ان کے وہ ناشکریاں، ان کی وہ معصیتیں، ان پر جو آخری حکم دیا جا رہا ہے، جو اگر آپ برا نہ مانیں تو میں عرض کروں گا، آج یہود پر اتنا اپلیکیبل نہیں ہے جتنا مسلمانوں پر ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ ذلت اور مسکنت کم ہمتی ان پر تھوپ دی گئی۔ ضربت علیہم، اٹ واز ہیپڈ اپون دم، دی ہیومیلیشن واز ہیپڈ اپون دم۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ وہی امت جس کے بارے میں فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اسی امت کا پھر یہ حشر ہوا۔ کیوں ہوا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے۔ ہمارے ہاں بھی مجددین امت میں سے کتنے ہیں جو جیلوں میں ڈالے گئے، جن کو ایسی ایسی مار پڑی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ہاتھی کو بھی وہ مار پڑتی تو برداشت نہ کرتا۔ احمد ابن حنبل کے ساتھ کیا ہوا؟ ابو حنیفہ جیل میں انتقال کیا، امام مالک کے کندھے کھینچ دیے گئے، اتار دیے گئے، منہ کالا کر کے اور اونٹ پر بٹھا کر پھرایا گیا ہے۔ امام دار الہجرہ شیخ احمد سرہندی جیل میں رہے، سید احمد بریلوی اور ان کے ساتھیوں کو خود مسلمانوں نے تہ تیغ کیا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، یہاں آپ یہ حقیقت کیوں فراموش کر رہے ہیں کہ یہود کی طرح آپ لوگوں نے سب سے بڑھ کر مظالم، تحقیر اور تکفیر اس ہستی کی ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے مسیح بنا کر بھیجا تھا، اور یوں آپ لوگوں نے بنی اسرائیل کے 72 فرقوں سے اپنی کلی مشابہت پر مہر تصدیق بھی ثبت کر دی ہے کہ جس کا ذکر احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتا ہے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ ہوا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ تو ظالم نہیں، اللہ نے تو اونچا مقام دیا تھا، ہمیں بھی خیر امت قرار دیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اب اگر ہم نے وہ اپنا مشن چھوڑ دیا تو ذلت اور مسکنت وہ ہمارا مقدر بن گئی۔ اللہ کا قانون اور اللہ کا عدل بے لاگ ہے، وہ فرام امہ ٹو امہ چینج نہیں ہوتا۔ سنت اللہ جو ہے، لن تجد لسنت اللہ تحویلا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت بدلتی نہیں۔ بنی اسرائیل کا جو حشر ہوا آج وہ ہمارا ہو رہا ہے۔ کیوں غضب بھڑکا خدا کا مجھ سے پوچھو غافلو، کیوں غضب بھڑکا خدا کا مجھ سے پوچھو غافلو، ہو گئے ہیں اس کا موجب میرے جھٹلانے کے دن، ہو گئے ہیں اس کا موجب میرے جھٹلانے کے دن، میرے جھٹلانے کے دن، میرے جھٹلانے کے دن۔